तो नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप सिंह और आज हम बताएंगे आपको एक्टिविटी का लाइव रिजल्ट, जो कि हमने कुछ दिन पहले सरसों का खेत जो आप पीछे देख रहे हैं इसमें एक्टिविटी का उपयोग किया था। और आज इसी खेत के मालिक से, किसान से हम जानेंगे कि कितना उनको फायदा हुआ है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, अब मिलते हैं इस खेत के मालिक से। मैं गोविंद सिंह, परंपरागत खेती करता हुआ आ रहा हूँ। वीडियो से हमने खेती की है और खेती के अंदर अब तक हम पुरानी पद्धति से खेती करते आए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले भाई सीताराम जी से मेरी मुलाकात हुई और सीताराम जी ने कहा कि आप एक्टिव 80 का प्रयोग करके देखें। यूरिया की भी किल्लत थी तो हमें ये चीज़ मिली और हमने इसको यूरिया में मिला करके 50% यूरिया, जो पहले हम 100% डाला करते थे, इस बार 50% ही मिला। और 50% यूरिया के अंदर एक्टिव 80 मिला करके हमने इस सरसों के अंदर छिड़काव किया। उस छिड़काव का परिणाम आपके सामने है और मुझे लग रहा है कि इस एक्टिव 80 की वजह से हमारी पैदावार पहले से दुगनी होंगी, जहाँ तक हमें उम्मीद है। पड़ोस में एक खेत मेरा और है, इस खेत में मैंने एक्टिव 80 का प्रयोग नहीं किया था। उस फसल में और एक्टिव 80 वाली फसल को आप देख सकते हैं दोनों में कितना परिवर्तन है। और मैं सभी को यही सुझाव दूंगा कि आप लोग भी हमेशा एक्टिव 80 का प्रयोग करें, ताकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती जाए और पैदावार हमें अधिक से अधिक मिलती रहे। मैं फिर आपको यही कहूंगा कि आप एक्टिव 80 का प्रयोग करके अपनी पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। ये सीताराम जी हमारे साथ में, जो कि एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और मोदी केयर कंसल्टेंट भी हैं। तो सीताराम जी, आप किसान भाइयों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? साल एक्टिव 80 का प्रयोग किया था तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो मेरे अंदर एक जागृति आई कि मैं सभी किसान भाइयों को फसल के बारे में बताऊं, एक्टिव 80 के बारे में बताऊं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सके, अपनी भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाने में कामयाब हो। तो मोदी केयर में जो एक्टिव 80 आता है, ये एक तो भूमि की गुणवत्ता बढ़ाता है और फसल भी काफ़ी अच्छी मिलती है और रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरा तो कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास ये चीज़ जाए और एक्टिव 80 का किसान हर किसान प्रयोग करे, तो वो किसान अच्छी फसल लेगा और अपने ज़मीन को बचा के भी रखेगा। जैसे यूरिया, अपन सुपर फास्फेट, इपको DAP, ये क्या है, ज़मीन की गुणवत्ता को नष्ट कर रहे हैं। और अपने ये एक्टिव 80 है जो एक जैविक खेती के रूप में कह सकते हैं कि ये अपने पास एक जैविक हथियार है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैविक का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा और इनको सुपर फास्फेट, यूरिया, DAP को बिल्कुल हटा दें। जय हिंद, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे किसान जिनको एक्टिव 80 से काफ़ी फायदा मिला है और आपको सुझाव दे चुके हैं। आशा करते हैं कि आप इस सुझाव को मानेंगे और एक्टिव 80 का प्रयोग करके आपकी फसल को कई गुना बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।